कोई हो कहीं से हो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, ले आओ कितने प्रोफेशनल। दोस्तों कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त हो। गाइस कल वाले मैच में जो कि एल्विस यादव एंड हर्ष बेनीवाल के साथ जो मैच हुआ था उसमें हर्ष बेनीवाल ने भाई हार चुके हैं, बहुत ही कम रन बनाए थे, ठीक है। एल्विस ने भाई जीत पाई है। जो कि हर्ष बेनीवाल क्यों हारे इस वाला मैच में फाइव, ऐसे मैं मिस्टेक बताऊंगा, तो वीडियो का एंड तक देखना। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आप लोग को पहला बताता हूँ, यहाँ पर बैटिंग जो भी बैटिंग कर रहे थे उसमें भाई 71 रन बनाए थे, जो कि 5.5 ओवर में ऑल आउट हो चुके थे पूरे, ठीक है। और इसके वजह से हरियाणा हंटर्स जो कि एल्विस यादव की टीम 72 रनों की टारगेट बहुत ही आसान रखा है। तो दूसरा मिस्टेक यहाँ पे हर्ष बेनीवाल की, जो कि टॉस जीत चुके थे उसमें टॉस जीत बैटिंग नहीं कर पाए, लेकिन उनकी टीम बहुत ही जल्दी आउट हो गई। इससे ये पता चलता है कि जैसे ही एल्विस यादव की टीम आई वहाँ पे सारे लोग को छक्का चौका आराम से खेल रहे थे, बहुत ज़्यादा टाइम लेने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन फिर भी बहुत ही कम ओवर में ये मैच को जीत चुके थे। तो यहाँ पे इसका ये गलती है भाई, जो कि टॉस जीत कर ये बहुत ही बड़ी गलती है फैसला, जो कि इनको बॉलिंग दिया जा रहा था लेकिन इनको बैटिंग ही चाहिए था। लो भाई हो गया दूसरा मिस्टेक। अब तीसरा मिस्टेक पे आते हैं, गेंदबाजी का लापरवाही। जैसे ही बॉलिंग इन लोग आया वहाँ पे बॉल ऐसे छक्का चौका दे रहा था भाई हर्ष बेनीवाल की टीम, ठीक है। यहाँ पर मैं पढ़ के सुना था आप लोगों को, पंजाब मतलब ये हर्ष बेनीवाल का टीम हो गया और हरियाणा हंटर्स मतलब एल्विस यादव का टीम हो गया, ठीक है भाई। तो गेंदबाज में खास प्रदर्शन नहीं किया जिसमें हरियाणा हंटर्स के लक्ष्य बहुत ही आम तौर पे पूरा करने का निर्णय ले लिया था। यहाँ पर सोच लो अच्छा से बॉलिंग नहीं कराया ये हर्ष बेनीवाल की टीम और एल्विस यादव की टीम, भाई ऐसे ही सब लोग मिलजुल के खेलते हैं जहाँ तक मेरे को लगता है, आप लोग कमेंट करके बताना। तो ये मिस्टेक है तीसरा। और चौथा मिस्टेक मैं अभी आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। फील्डिंग में लेके फील्डिंग प्रॉब्लम, जैसे कि हर्ष बेनीवाल की फील्डिंग जो भी है भाई ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लोग खड़ा हो जैसे वॉलीबॉल खेल रहा हो, तो उसमें बहुत ही टीम की फील्डिंग में बहुत ही लापरवाही हुई और इसी की वजह से यहाँ पे हर्ष बेनीवाल की टीम हारने के तदाद पे आ गई थी, ठीक है। ये है चौथा मिस्टेक। और पांचवा मिस्टेक यहाँ पे, टीम के एक ठोस राजनीतिक और मैच के दौरान आवश्यकता बदलाव की कमी दिखी जो उनकी हार का मुख्य कारण बनी। तो यहाँ पर भाई पांच मिस्टेक मैंने आप लोग से बताया, जो कि हर्ष बेनीवाल की टीम लोग ये बारे में थोड़ा इम्प्रूव करें ना तो एक लेवल बढ़ सकता है इनका, लेकिन ऐसे खेलेंगे तो भाई ये टॉप फाइव या का टॉप टू में भी नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो भाई बस इतना ही मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, यही मिस्टेक मेरे को लगा जो कि आप लोग के सामने रखा है। आप लोग क्या सोचते हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना, ठीक है भाई। और लास्ट में मैं एक आप लोग को थोड़ा लाइन पढ़ के सुनाता हूँ, इस सभी गलतियों से मिलकर मैच को हरियाणा हंटर्स ने जीत लिया एक तरफा करके। यहाँ पर मैं एक बार फिर से आप लोग से कहना चाहूँगा, यहाँ पर हरियाणा हंटर्स जो कि चार मैच जीत चुकी है एक तरफा, तो आप लोग उनका टक्कर नहीं दे पा रहे हो, लेकिन ये मैं आप लोग को फाइव ऐसे मिस्टेक बताया जो कि आप लोग इम्प्रूव कर लोगे तो आप में थोड़ा सा एक लेवल बनने का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही था, अगले वीडियो में मिलते हैं कोई और सी मस्त वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर बाय। और अपना ख्याल रखना और ऐसे ही मेरे ऊपर प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।